हेलो दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम का अध्ययन किया। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत अपने पहले प्रश्न से करते हैं। त्रिभुज एबीसी में बिंदु एक्स, वाय और जेड क्रमशः भुजा एबी, बीसी और एसी के मध्य बिंदु हैं। एबी 5 सेंटीमीटर, एसी 9 सेंटीमीटर और बीसी 11 सेंटीमीटर है। तो एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड की लंबाई और त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु एक्स और बिंदु वाई क्रमशः भुजा एबी और बीसी के मध्य बिंदु हैं। यदि हम यहां मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करें तो यह कह सकते हैं कि रेखाखंड एक्स वाई भुजा ए सी के समांतर है और लंबाई में इसकी आधी होगी। हमें ए सी का माप 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें हम ए सी का माप रखकर एक्स वाई का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर मिलेगा। इसी प्रकार बिंदु एक्स और बिंदु जेड क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। यहाँ भी मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग कर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। BC का माप 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिससे हम XZ का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें XZ 5.5 सेंटीमीटर मिलेगा। इसी प्रकार आप स्वयं ही YZ का माप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। हमें YZ 2.5 सेंटीमीटर के बराबर मिलेगा। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, इसलिए त्रिभुज एक्स वाई जेड के परिमाप को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और हम एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड का माप यहाँ रखकर इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमें त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर मिला। दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखिए। यहाँ त्रिभुज एबीसी में 4 त्रिभुज बने हैं। इन त्रिभुजों और उनके परिमाप के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस प्रश्न पर विचार करें। आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिद्ध कीजिए कि किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले प्रश्न की सहायता से हम एक आकृति का निर्माण करते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी है। भुजा एबी, बीसी, सीडी और डीए का मध्य बिंदु क्रमशः बिंदु पी, क्यू, आर और एस है। यह हमें दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि इन बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों, पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज कब हो सकता है? जब उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। यहां एक रचना करते हैं। विकर्ण बी डी खींचिए। अब हम इसकी उपपत्ति देखते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी डी में बिंदु एस तथा बिंदु पी क्रमशः भुजा ए डी और ए बी के मध्य बिंदु हैं। इसलिए पी एस और बी डी समांतर हैं और पी एस भुजा बी डी की लंबाई की आधी है। इसी प्रकार त्रिभुज डी बी सी में बिंदु क्यू तथा बिंदु आर क्रमशः भुजा बी सी और डी सी के मध्य बिंदु हैं। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि भुजा क्यू आर और बी डी समांतर होंगी और क्यू आर भुजा बी डी की आधी होगी। समीकरण एक और दो को देखकर हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर है। और हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ तथ्यों के साथ। धन्यवाद।